ओके, रीड करें क्वेश्चन को और फटाफट से शुरू कर दें सॉल्व करना, जल्दी से आंसर निकालें इसका। F of ABC is equal to दिया गया है sigma small m 0 1 2 5 6 7। क्वेश्चन है मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड फाइंड आई पी आई एंड ई पी आई। पहले तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, आंसर सबने लिख लिया होगा, सभी ने आंसर अपना सेव कर रखा होगा। चलिए मैं अब सॉल्व करूंगा, आप लोग आंसर मैच करेंगे, मैंने बोला है आंसर मैच करेंगे, आंसर को छापेंगे नहीं, यहां से कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा है यहां पर, ध्यान रखें सब लोग। You all should at least try once. देखिए आप जब तक क्लास में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक एक बात को मैं इतना प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि हम छोटी छोटी बातों को भी प्रॉपरली समझें सीखें। हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सिंपल बात को भी सर प्रॉपरली एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक एक बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेके जो टफेस्ट क्वेश्चन है वहां तक आप पहुंच पाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो मैं मेथड आपको सजेस्ट करता हूं, मैं बोलता हूं स्क्रीन को रोको और क्वेश्चन को ट्राई करो, तो वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी का पार्ट हो गया कि आप अब स्क्रीन को रोक के इसको ट्राई करते हैं या कॉपी पेस्ट खेल रहे हैं। सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे इन क्वेश्चंस के, लेकिन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी डेवलप होगी, क्योंकि देखिए आपकी नॉलेज डेवलप होना जरूरी है। मुझे क्या आता है, मैंने कितना सिखा दिया, ओके कितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये सब चीजें बात की बात है। पहली बात है कि आप कितना उसमें से सीख पा रहे हैं, तो आप जरूरी है कि प्रॉपर वे में तैयारी करें, और जैसे जैसे क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं तो उनके नोट्स भी बनाते जाएं, क्लासेस के साथ ही आप नोट्स भी अपने प्रिपेयर करें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, तरीके से क्लास जब अटेंड करने बैठे तो प्रॉपर नोट्स आप प्रिपेयर करें, बिल्कुल जो भी आपको कलर्ड पेन है जैसे भी आपको लिखना है सिस्टमैटिक तरीके से लिखें, क्योंकि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके हल्के में नहीं लेना चाहिए कि सारी चीजें लाइट मोड पर चल रही हैं, कहीं भी कुछ भी लिख लिया, किसी भी कॉपी में उठाया लिख दिया। और साथ में जैसे हम कंप्लीट करते हैं क्लास को तो आधा घंटे बैठ के उस क्लास में जो थ्योरी डिस्कशन हुआ है उसके नोट्स को एक बार फिर से पढ़ लें जल्दी से। क्लास में तो पढ़ ही लिया आपने, साथ में आधा घंटे क्लास कंप्लीट हुई आप बैठे हुए हैं आराम से उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लें नोट्स को, और फिर आप चाहें तो अपनी ब्रांच के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना शुरू कर दें। चार स्ट्रीम्स में कॉमन है ये सब्जेक्ट, चार स्ट्रीम्स की प्रीवियस ईयर अगर आपने सॉल्व कर लिए, मैंने क्लास में इतने क्वेश्चंस में करा दूंगा आपको, तो फंडामेंटली हम स्ट्रांग हो ही जाएंगे, प्रैक्टिस भी मैं इनफ करा दूंगा। उसके बाद चार ब्रांचेस के आपने बचे हुए, इसमें काफी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से भी हैं, कुछ हैं जो नहीं है प्रीवियस ईयर से, तो उसके बाद जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपने सॉल्व कर लिए फोर स्ट्रीम्स के। ओके, इतने से इतना इनफ हो जाता है कि हम जब ऑनलाइन टेस्ट देने बैठेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा लगेगा जो नई चीज आ रही है, सब कुछ वही आ रहा है जो पढ़ा हुआ है। ओके, तो जरूरी है कि हम डे वन से बिल्कुल प्रॉपर फोकस्ड वे में तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है इतना कुछ बोलने के बाद कि सब लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा, सब लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं आपका आंसर भी आ गया होगा। आंसर करेक्ट इनकरेक्ट ये तो दूसरी बात है, स्टेप वन तो ट्राई करना है, हम स्टेप वन पे ही नहीं पहुंचे स्टेप टू को हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसे ही होगा। हाँ हाँ सही तो किया, समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे देख रहे हैं और ऐसे कर लेना चाहिए था, मैंने भी ऐसे किया, हाँ सही है बिल्कुल सही है यही मैं सोच रहा था, ये कोई तरीका नहीं हुआ, आपको सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकालना चाहिए। 0 1 0 0 0 1, मैं यहां पर आईपीआई ईपीआई की डेफिनेशन को मुझे क्लियर कराना है, साथ में हम जो मिनिमाइजेशन के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनकी भी चर्चा करते जा रहे हैं, तो प्रॉपर हम केमैप का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो इन एग्जांपल्स का मतलब ही है, क्योंकि थ्योरी में हम ज्यादा केमैप कुछ नहीं सीखते, सीधा क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, जैसे जैसे हम वैरायटीज करेंगे क्वेश्चन की वैसे वैसे आपको समझ में आएगा इस तरह से मिनिमाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, तो अब पहले मैं फिलअप कर देता हूं जो डेटा हमें दिया गया है, 0 1 2 5 6 7 की वैल्यूज। तो 0 यहां पर है लॉजिक 1, सिग्मा स्मॉल m मतलब लॉजिक 1 की बात हो रही है, सिंपल सी बात। 0 1 2 3 यहां पर होता है, 4 यहां पर होता है, 5 यहां पर होता है, 6 7 ये हो गया हमारा डेटा फिलअप इसमें। ओके, अब जरा मिनिमाइजेशन कर लेते हैं। मिनिमाइजेशन में पहली बात कर चुके हैं हम लोग, क्वाड ऑक्टेट ऑक्टेट फिर क्वाड फिर पेयर फिर सिंगल सेट। तो क्वाड इसमें मुझे फिर से नहीं दिख रहा है कोई बनता हुआ, कोई क्वाड नहीं बन रहा है, क्लियर है सभी को ये बात, ऐसा मत सोचना कि ये कंबाइन करके क्वाड बन गया, नहीं नहीं नहीं, ये पेयर बनेगा, फिर एक पेयर ये बन जाएगा यहां पर। ओके है ये पेयर, दूसरा पेयर हम कहां से बना सकते हैं, एक पेयर ये बना दिया आपने, तीसरा पेयर जल्दी सजेस्ट करें आप लोग दिमाग में सोच लिया करो कि हाँ ऐसे बना लिया, तीसरा पेयर ये बन गया, आप सबने सॉल्व भी कर ही लिया होगा इस क्वेश्चन को। मिनिमाइजेशन के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत है,
मतलब अगर मुझे प्रॉपरली मिनिमाइज रिजल्ट लिखना है तो इतना कॉम्बिनेशन हमारा काम कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, सीधा आंसर लिख देंगे। आंसर बताएं क्या आएगा इसका, इसका वैल्यू कितना आएगा, ए बार बी बार आएगा, ये बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बोला, इस पेयर फॉर्मेशन का ए यहां पर है अनचेंज और सी है, तो इसका आएगा ए सी। इसका कितना आएगा, यहां पर बी एंड सी बार, तो यहां का आएगा बी सी बार। तो आंसर क्या आएगा, ए बार बी बार ए सी बी सी बार, ये है इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म। तो जिनका आंसर ये आया है, एक बार आंसर आपका जो भी आया है मैच करके देखें, एंड इफ इट इज करेक्ट देन वेरी गुड फ्रॉम माय साइड। ओके एक्सेलेंट, सबका आंसर आ रहा है, यही आई होप कि आंसर ये आया हुआ सबका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछ लिया है आईपीआई ईपीआई बताओ क्या है। चलिए तो इंप्लीकेंट्स क्या है, इंप्लीकेंट्स फाइंड करना हमारे लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं है। क्या है इंप्लीकेंट, मिनटर्म है वही इंप्लीकेंट है। एक दो तीन चार पांच छह, कितने इंप्लीकेंट्स हैं, सिक्स इंप्लीकेंट्स हो गए सिक्स। अब इनकी वैल्यूज मैं लिख देता हूं, चलिए वैसे जरूरी नहीं है हर बार लिखना, ए बार बी बार सी कुछ नहीं, मैं इनको सिग्मा एम जीरो वन टू लिखा है ना, उसको स्टैंडर्ड से कैनोनिकल में कॉमा लगा लगा लिख रहा हूं, वही इंप्लीकेंट्स है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, चार ऑप्शन दे दी कितने इंप्लीकेंट्स हैं इसमें, कौन कौन से हैं, तो वो वैल्यूज ये हैं, ए बार बी बार सी कॉमा ए बार बी सी बार कॉमा ए बी बार सी ए बी सी बार ए बी सी, ये हो गए छह इंप्लीकेंट। अब बात कर लेते हैं किसकी, प्राइम इंप्लीकेंट्स की। तो ये तीन कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है वो तो है ही प्राइम इंप्लीकेंट्स, तो वो तो है ही, ए बार बी बार लिख दिया, पहले मैं इन्हीं को लिख देता हूं है ना, ए बार बी बार लिखा मैंने, ए सी लिखा और बी सी बार लिख दिया, ये तीनों तो है ही ओके हैं पहले से, बहुत बढ़िया। अब हमें देखना है क्या और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में आना शुरू हो गए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, मैच करना क्या, मैं भी वही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे थे, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा। वैल्यू क्या लिखेंगे इसकी जरा बताएं, ए और बी, एम आई राइट, ओके। और एक और सोचा होगा आपने, मैच करते रहना क्या, मैं भी वही लिख रहा हूं जो आप सोच रहे थे। एक आपने ये सोचा होगा, इज दिस करेक्ट, देखो मैं तो सही लिख रहा हूं, ये आप लोग देखो आपने ये सोचा था कि नहीं, क्लियर है। अब और बताओ, और किसी ने कुछ और सोचा हुआ है दिमाग में, सोच लो जैसे ही आपने कुछ भी दिमाग में जो लगाया होगा नेक्स्ट। एक ये बना दिया ओके, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या लिखनी है जरा बताएं आंसर को, इसकी वैल्यू को, ए बार तो है इसमें और सी बार, तो ये हो गया ए बार सी बार। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है, इज देर एनी वन एल्स एनीथिंग एल्स, कोई बचा हुआ है कुछ, मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी और प्राइम इंप्लीकेंट्स बन सकते हैं इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो। हमने तीन जो ओरिजिनल थे वो पहले लिख लिए हैं हमने, फिर हमने उसके बाद इसमें और भी लिखे हैं कौन कौन से, एक तो ये लिखा है बी बार सी लिखा है कॉमा, एक हमने ये लिखा हुआ है जो लिखा है ए बार सी बार ए बार सी बार लिखा है ओके, और एक हमने लिखा है ए बी। अब इसके अलावा यहां पर कोई भी प्राइम इंप्लीकेंट नहीं बन रहा है, आप ध्यान से समझ लें, कोई प्राइम इंप्लीकेंट नहीं बन रहा है। कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स हो गए, छह, इंप्लीकेंट भी छह, प्राइम इंप्लीकेंट भी छह, कोई बात नहीं। अब इसमें से देखना है कितने हैं एसेंशियल, कितने एसेंशियल है, आंसर आपने निकाल लिया है तो जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं आंसर, एसेंशियल कोई है, हर एक को मैच करके देखते हैं। मुझे इस पूरे कॉम्बिनेशन में एक भी सेल ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका कॉम्बिनेशन क्या हो, यूनिक हो, यानी कि जिसके अंदर सेल में कॉम्बिनेशन ऐसा किया हो कि कोई भी दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यानी कि आप अगर इस प्राइम इंप्लीकेंट की बात करें तो इसमें भी मल्टीपल वे में सेल कंबाइन हो रही है, आप अगर इस प्राइम इंप्लीकेंट की बात करें तो इसमें भी मल्टीपल वे में सेल्स कंबाइन हो रही है, इस प्राइम इंप्लीकेंट की बात करें तो यहां पर भी वही हाल है, यहां पर भी और इसमें भी, यानी कि छह के छह प्राइम इंप्लीकेंट्स को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, देयर इज नो प्राइम इंप्लीकेंट जिसके लिए आपके पास कोई सेल हो जो ओनली वन वे में कंबाइन हो रहा हो, विच मीन्स इट्स आंसर इज
जीरो, जिन लोगों ने आंसर जीरो सोचा था दे आर एब्सोल्युटली राइट। ओके सो यहां पर हमने आंसर फाइंड कर लिया, जीपीआई जीरो, पीआई सिक्स एंड आई इक्वल टू सिक्स। तो आई होप ये आंसर सभी का करेक्टली मैच किया होगा, अगर नहीं भी किया तो दैट्स नॉट अ बिग इश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू दिया गया है ए बार सी प्लस ए सी बार प्लस बी बार सी, फाइंड आउट ईपीआई। इन्होंने सीधे मुद्दे की बात की है, इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट की वैल्यू फाइंड करना। ओके तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, फाइंड ईपीआई बोला है इन्होंने। सो जस्ट पॉज द स्क्रीन राइट नाउ, अभी के अभी स्क्रीन को आप रोक दें और आंसर फाइंड करें ईपीआई का। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम नोटिस करें कि जो एफ ऑफ एबीसी है, एफ ऑफ एबीसी इक्वल टू कितना है दिया है ए बार सी, ए बार सी प्लस ए सी बार प्लस बी बार सी, ये दे दिया गया है। ओके अब हम अगर सफिशियंट प्रैक्टिस हमारी है तो हम चाहे तो इस मिनिमल फॉर्म को ही ले जाके के मैप में पुट कर सकते हैं। अगर शुरुआत में हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, उतनी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो हम पहले इस मिनिमल फॉर्म को कन्वर्ट कर लें कैनोनिकल फॉर्म में। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूं इसे, ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार, आई एम जस्ट राइटिंग डॉट वन हेयर और डॉट वन को मैं बी प्लस बी बार से रिप्लेस कर रहा हूं। ओके तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं इस तरह से कई बार, ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। जैसे यहां पर ए मिसिंग था तो ए प्लस ए बार का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया जो कि वन है, यहां पर b मिसिंग था तो b प्लस बी बार का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी b मिसिंग था तो b प्लस बी बार का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से हम हमारे पास आ चुका है अब कैनोनिकल फॉर्म, यहां से इजीली हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, क्या बनेगा 011 001 110 100 101 001। तो यहां से अगर हम लिखते हैं सिग्मा स्मॉल m कितना आएगा 1, ओके 1, फिर आएगा 3, ये आएगा 4, 5, 6। एक्चुअली हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू सिग्मा एम 1, 3, 4, 5, 6, ये दिया गया है। चलिए तो पहले इसके लिए के मैप लिख लेते हैं, थ्री वेरिएबल फंक्शन दिया है, के मैप इस तरह से बनेगा इसका लाइक दिस फॉर थ्री वेरिएबल फंक्शन। A, B, C, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 दिया गया। अब यहां पर क्या लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके ये आ गया। अब इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो मैंने फिलअप कर ली हैं यहां पर। अब हमें क्या करना है, इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स फाइंड करना है, ईपीआई पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बना लें। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बाद भी कोई सेल ऐसी बचती है जो सिंगल वे में कंबाइन हो रही है, उसके बाद हम उसकी ईपीआई की वैल्यू को कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, इसमें एक पेयर यहां पर बन गया, एक पेयर ये बन गया, ओके और एक पेयर हम इस तरह से बना सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ये और ये बन गया। एक और पेयर बन सकता है क्या इसमें, जल्दी से आंसर करें आप लोग, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये बन गया एक पेयर। अब इनकी वैल्यूज हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ क्या पूछा है कितने ईपीआई हैं, ओके ये पूछा है। अब बताएं ये जो पेयर मैंने कंबाइंड किया है क्या वो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि इसमें एक सेल वन ऐसा है जो सिंगल वे में कंबाइंड हो रहा है, मतलब ये ईपीआई है इसका। तो आंसर क्या है इस ईपीआई का, ए बी यहां पर जीरो से वन हो गया, सी वही है तो ए सी बार इसका आंसर हो गया। क्या ये ईपीआई है, ये जो हमने लिखा है इज दिस ईपीआई, यस इट इज ऑल्सो ईपीआई बिकॉज दिस इज लाइक ए बार एंड सी, तो ए बार सी एंड ए सी बार। मुझे यहां पर अभी तक इसमें दो ही ईपीआई दिख रहे हैं, क्या आपको कोई और ज्यादा दिखता है इसमें,
अगर नहीं देन टू इज द करेक्ट आंसर. एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट यहां पर आएंगे दो. जिन लोगों ने इसका आंसर टू लिखा था दे आर एब्सोल्युटली राइट. आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू दे हैव गिवन सिग्मा एम 01357. मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट आई पी आई ई पी आई. ये पूछा गया है. क्वेश्चन को रीड कर लिया है सबने. ओके, एंड पॉज करें स्क्रीन को अभी के अभी और इसको आंसर करें जल्दी से आप लोग. चलिए मैं आप सॉल्व कर रहा हूं इसे. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप सब लोगों ने इसे ट्राई जरूर किया होगा. आई कैन होप ए बी सी ये लिखा हमने 01 00011110. अब इसमें जो सेल्स की वैल्यूज है उनको अगर हम लिखें तो जीरो दिया है 1, ओके 1, 0, 1, 2, 3, मैं ऐसे काउंटिंग भी बताते जा रहा हूं, है ना, 4, 5, 6, 7. ये बन गया हमारा के मैप का कंप्लीट स्ट्रक्चर. अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आईपीआई ईपीआई फाइंड आउट करना है और इसे मिनिमाइज भी करना है. तो सबसे पहले हम इसमें नोटिस करेंगे कि जो पॉसिबल सेल्स कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से यहां पर बन के तैयार हो रहा है. तो अगर आप यहां पर देखें 4 सेल्स कंबाइंड हो रहे हैं तो दिस इज फॉर्मिंग अ क्वाड. ये क्या फॉर्म हुआ, इसमें क्वाड फॉर्मेशन हो गया. आंसर क्या आएगा जरा बताएं क्वाड फॉर्मेशन का, 0111. यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको, क्या इसमें चेंज नहीं हो रहा, सी चेंज नहीं हो रहा, तो सी आंसर आएगा. कितने वेरिएबल हट जाते हैं क्वाड फॉर्मेशन होता है, तो दो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं. दो वेरिएबल एलिमिनेट हो गए, तीन में से कितना रह गया, सिर्फ एक वेरिएबल रह गया इस मिनटर्म के अंदर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब मान लीजिए हमें अब देखना है कि और कोई पेयर क्वाड कुछ फॉर्मेशन हो रहा है क्या. बिल्कुल हो रहा है यहां पर एक पेयर फॉर्मेशन लाइक दिस. क्या आंसर है इस पेयर फॉर्मेशन का, इसका आंसर है ए बार इंटू बी बार. एक्सीलेंट. चलिए अब हमें क्या लिखना है, एफ ऑफ एबीसी की वैल्यू. क्या सभी सेल हमने यूटिलाइज कर ली है, बिल्कुल सारी सेल्स यूटिलाइज हो गई, कोई भी सेल इसमें नहीं बची है जो यूटिलाइज नहीं हुई. ओके, तो आंसर क्या आएगा, फाइनल मिनिमाइज्ड फॉर्म इसका आंसर आ गया ये ए बार बी बार प्लस सी. दिस इज द फाइनल आंसर. ये हमारे पास आ गया मिनिमाइज्ड रिजल्ट. ओके, ये तो पूछा ही था तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का. अब हमें फाइंड करना है आई पी आई एंड ई पी आई. चलिए आई की वैल्यू क्या होगी, इंप्लीकेंट की वैल्यू कितनी है जरा बताएं इसमें. इंप्लीकेंट्स की वैल्यू, इंप्लीकेंट मींस व्हाट, मिन टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मिन टर्म्स है, इंप्लीकेंट्स 5 हो गए. वैल्यूज क्या क्या है देख लें जरा, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी बार कॉमा, ए बार बी बार सी कॉमा, ए बार बी सी कॉमा, ए बी बार सी कॉमा ए बी सी. ये हो गए 5 इंप्लीकेंट्स. चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स की. कोई और सेल कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या इसके अंदर, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है. अब आपके दिमाग में एक चीज घूम सकती है, वो क्या है, आपको लग रहा हो कि यहां पर सर एक पेयर बना दीजिए ना ऐसे. नो नो, वी कैन नॉट ब्रेक द रूल्स. आप यहां पर पेयर कब बना सकते थे वो मैं आपको बताता हूं. मान लीजिए यहां पर एक सेल लॉजिक 1 का होता तो आप ये पेयर बिल्कुल बना देते, कोई मना नहीं कर रहा था आपसे, बिल्कुल आपको अलाउड था. लेकिन अब यहां पर हम इन सेल्स को यूटिलाइज करके हमने यहां पर बनाया है क्वाड. तो सिर्फ इसी क्वाड की सेल्स, मेरी बात ध्यान से सुना, सिर्फ इसी क्वाड की सेल यानी कि बाहर से कोई भी एकाध सेल को इंक्लूड किए बिना हम पेयर फॉर्मेशन अब नहीं कर सकते. जैसे मैंने यहां पर पेयर फॉर्मेशन करके बताया भी है आपको, वो कब हो सकता है पेयर फॉर्मेशन इस क्वाड की सेल का, जब कोई एक सेल ऐसी कम से कम है जो बाहर से हमने ली है. अदरवाइज जिन सेल्स का क्वाड फॉर्मेशन हो गया उन्हीं सेल को यूज करके आप पेयर नहीं बना सकते. फिर हम पेयर भी क्यों रुक रहे हैं, सिंगल सेल्स क्यों नहीं बना रहे हर एक का, कॉमन सेंस लगाइए. प्राइम इंप्लीकेंट्स फाइंड करने के लिए फिर मैं ये क्वाड बना दिया मैंने, फिर इनका पेयर बना दिया ऐसे 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 ऐसे, फिर सिंगल सेल बना लिए, ऐसे तो कोई काउंटिंग कभी नहीं होनी. गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया सभी को ये बात. तो इसका आंसर कितना आएगा प्राइम इंप्लीकेंट, इसके अंदर दो ही प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं. अच्छा, क्या ये दोनों एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हैं, देख लेते हैं एक बार. ये एसेंशियल है क्या पेयर, बिल्कुल एसेंशियल है. क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक सेल वन ऐसा है ये वाला जो एक ही वे में कंबाइन हो रहा है. देयर इज ओनली वन वे टू कंबाइन इट, सो ऑब्वियसली दिस.
दिस ए बार बी बार इटसेल्फ इज एसेंशियल वन, यानी कि प्राइम इंप्लीकेंट तो हमने लिखी लिया कौन कौन से हैं, ए बार बी बार है और दूसरा कौन सा है, सी है। अब मुझे इसेंशियल देखना कौन सा है, देखिए ये इसेंशियल है, पेयर बिल्कुल इसेंशियल है ये, क्या ये क्वाड भी इसेंशियल है, बिल्कुल ये भी इसेंशियल है, क्यों, इसके अंदर तो बल्कि तीन तीन एलिमेंट ऐसे हैं, एक दो तीन जो सिंगल वे में कंबाइंड हो रहा है। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो सिंगल वे में कंबाइंड हो रहा है, उतने से ही आंसर मिल जाता है कितना कि वो इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है, लेकिन इसमें तो तीन तीन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो इसेंशियल वन, यानी कि इसके दो ईपीआई हैं, दो प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं और एक इंप्लीकेंट, फाइव इंप्लीकेंट्स हैं। ये आंसर आया होगा सबका, जिनका आंसर ये आया है दे आर करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एम 0 1 2 3 4 6, मिनिमाइज करना है इस एक्सप्रेशन को एंड फाइंड आई पी आई ई पी आई। ओके, तो सब लोग इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, स्क्रीन को रोक दें अभी, पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, स्क्रीन को रोकें सब लोग और सॉल्व करें, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आंसर आप मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज ही कर लेते हैं, मिनिमाइजेशन की बात की गई है सबसे पहले, लेट्स मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन। थ्री वेरिएबल के मैप की बात की गई है, तीन वेरिएबल के मैप हमने बनाया इस तरह से, एट पॉसिबिलिटीज हैं, तो एट सेल्स हमने ड्रॉ कर दिए यहां पर, वेरिएबल्स हैं लाइक ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो गया। ओके, अब 0 1 2 3 4 6, जीरो पर जो वैल्यू है वो है लॉजिक वन, वन पर जो है टू यहां पर है, थ्री यहां पर है। ओके, कैसे लिखा हमने, 0 1 2 3 4 यहां पर आएगा, 5 6 यहां पर आएगा। ओके, तो ये हमारा बन गया के मैप का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है इसमें कि क्या हम क्वाड बन रहा है, क्या हमारा पेयर बन रहा है, किस तरह से यहां पर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो आप अभी भी स्क्रीन को फिर से रोकें, अगर आपको यहां तक पहुंच गए हैं आप सही हैं एकदम, तो अब आप आंसर करें। मैं यहां पर बना रहा हूं यहां पर एक क्वाड, ये एक क्वाड बन गया हमारा। जब भी क्वाड बनेगा तो पेयर बनाने के बारे में उन सेल्स के लिए कम से कम उतने ही सेल को यूटिलाइज करके, कोई बाहर से सेल ना लेके आप पेयर बनाने के बारे में सोच नहीं सकते। तो यहां पर क्या बना, क्वाड बना, दो वेरिएबल हट जाएंगे, तीन में से क्या बचेगा, सिर्फ एक वेरिएबल बच गया, ए बार। इतनी बात समझ में आ गई हमको, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। चलिए अब मैं नेक्स्ट देखता हूं, यहां पर एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, जल्दी से बताएं वो क्या होगा, जल्दी से सजेस्ट करें आप लोग क्या होगा वो, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कॉम्बिनेशन होगा वो, दिस इज वन मोर क्वाड इज फाउंड। अब जो लोग सोच रहे हैं कि यहां पर एक पेयर बना लेते हैं, मैं पेयर क्यों बनाऊं जब क्वाड पॉसिबिलिटी है, तो इफ देयर इज अ चांस टू फॉर्म अ क्वाड देन व्हाई शुड वी फॉर्म द पेयर, सो ऑब्वियसली यहां पर क्वाड ही बनेगा। अब तीन वेरिएबल्स में से कौन से दो हट जाएंगे, जरा चेक करके देखते हैं। 0 0 यहां पर है, 1 0 यहां पर है, यानी कि सी की वैल्यू यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0, इन सेल के लिए भी इन सेल की वैल्यू, यानी यहां पर क्या आएगा, सी बार। मतलब अब फाइनल आंसर की अगर मैं बात करता हूं यहां तक, तो एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या बच गया, ए बार प्लस सी बार, दिस इज द आंसर। अच्छा चलो इंप्लीकेंट्स बताओ कितने हैं, इंप्लीकेंट्स बताना कोई मुश्किल नहीं है, 0 1 2 3 4 6 कितने इंप्लीकेंट्स हैं, 6 इंप्लीकेंट्स आ गए हमारे पास। ओके, और इनके नाम्स वही दिखे ना आपको, 0 0 ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी ए बी बार सी बार एंड ए बी सी बार, ये इनके नाम्स हो गए। इनके सीधा कुछ नहीं करना, मिनटर्म्स को रिप्रेजेंट कर देना, इंप्लीकेंट मतलब मिनटर्म्स, क्लियर है। अब बात करते हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स की, प्राइम इंप्लीकेंट्स मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स कॉम्बिनेशन से जो बने हैं। तो इसमें एक तो ये दिख ही रहा है क्वाड बन गया, बिल्कुल ये प्राइम इंप्लीकेंट्स है, ए बार। एक क्वाड इसमें और बन गया, तो दिस इज ऑल्सो प्राइम इंप्लीकेंट्स, दैट इज सी बार। इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। अब आगे देखिए, हमने लिख लिया ए बार सी बार, अब क्या कोई और पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आ रही है यहां से, क्या आपको लग रहा है कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन मुझे बनाना चाहिए यहां से, सोचें जल्दी से आंसर करें। नहीं, ऐसा इसमें कुछ भी और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आपको लग रहा होगा अगर ये पेयर बना दें ऐसे, नहीं बना सकते क्योंकि ये
ओनली कॉम्बिनेशन है जो क्वाड में इंक्लूड है। मान लीजिए कि यहां पर कुछ एलिमेंट होता तो फिर हम अलग दिमाग लगाते कुछ कि एक और क्वाड बनाते हैं या कुछ और भी पॉसिबिलिटी बनाए। क्लियर है आपको इतना? तो अब इसमें और कोई सेल कॉम्बिनेशन तैयार नहीं हो रहा है, यानी कि हाउ मेनी प्राइम इंप्लिकेंट्स, टू प्राइम इंप्लिकेंट्स आर देयर, दो प्राइम इंप्लिकेंट्स हैं। क्या ये दोनों प्राइम इंप्लिकेंट्स एसेंशियल हैं? बिल्कुल, ये दोनों एसेंशियल हैं, क्योंकि इसमें इस क्वाड फॉर्मेशन में आपने देखा दो सेल्स ऐसे हैं जो सिंगल वे में कंबाइंड हो रहे हैं, और इसमें भी दो सेल ऐसे हैं सिंगल वे में कंबाइंड हो रहे हैं, बट हमें तो एक ही सेल की जरूरत है, एक ही सेल से हमें पता लग जाता है कि ये एसेंशियल है या नहीं है। सो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, एसेंशियली प्राइम इंप्लिकेंट है, दोनों क्या है, ईपीआई है। ये आंसर्स आ गए हमारे पास, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने ध्यान से, एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एम 0167 प्लस सिग्मा डी 345, मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। आईपीआई एंड ईपीआई की जनरली बात की जाती है जब डोंट केयर कंडीशंस वहां पर नहीं दी गई हो, तो इसमें डोंट केयर कंडीशन है तो हम सिर्फ इसे क्या करेंगे, यहां पर मिनिमाइज करेंगे। चलिए सॉल्व करता हूं मैं इसे। थ्री वेरिएबल फंक्शन है, एट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे ऑब्वियसली, दिस इज ए बी सी 01 00 01 11 10, ये लिखा मैंने। अब देखिए यहां पर क्या 0167 है, फिलअप करते हैं वैल्यूज को, जीरो पर एक है वन, ओके, वन टू एंड थ्री, थ्री पे क्या है, थ्री पर डोंट केयर है, सिग्मा डी, डी डिफाइनिंग डोंट केयर, डोंट केयर वैसे क्रॉस से लिख देते हैं लेकिन इनका तरीका है जस्ट, ओके, फोर यहां पर है डोंट केयर, फाइव है डोंट केयर, ओके, और सिक्स वन है, सेवन भी वन है, ये हमने बना लिया कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करते हैं अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है, ट्राई करना है कि क्वाड बन जाए, ऑक्टेट बन जाए, नहीं बन रहा है तो पेयर बन जाए, कुछ नहीं बन रहा है तो सिंगल सेल। क्लियर है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलिए अब मैं यहां से दो सेल्स को कंबाइंड कर दूं तो ये पेयर बन जाएगा, इन दो को कंबाइंड कर दूं तब भी ये पेयर बन जाएगा। क्लियर है, तो हमें डोंट केयर की तो फिक्र है नहीं कुछ कि डोंट केयर का क्या होगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर पेयर बनाने की बजाय इस तरह से एक क्वाड बना दूं, समझना जरा, ये क्वाड बना दूं, एक क्वाड बन गया, तो पेयर फॉर्मेशन की कंपैरिजन में अगर मैं इन दोनों डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड करके क्वाड बना लूं तो दैट्स अ बेटर डील। क्यों? क्योंकि इसमें क्वाड के अंदर कैपेबिलिटी है दो वेरिएबल को एलिमिनेट करने की, पेयर क्या कर सकता है मिनटर्म से एक ही वेरिएबल को हटा सकता है, मतलब अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाता तो सिर्फ एक ही वेरिएबल एलिमिनेट हो पाता उसमें, अगर मैंने यहां पर क्वाड बनाया है तो ऑब्वियसली इसमें से दो वेरिएबल हट जाएंगे, तो दो वेरिएबल हट जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, क्या बचा यहां पर, ए। क्लियर है ये बात सभी को? अब दूसरा हम बात करते हैं, तो दूसरे में हमें देखिए क्या दिख रहा है यहां पर, ऑब्वियसली हमें लगेगा यहां पर, पहले मैं अगर सोच सकता हूं तो बोलूंगा कि भाई पेयर बना देते हैं पहले, तो पेयर बनाएंगे तो कितना वेरिएबल हटेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल रिमूव होगा, पेयर बनाने की बजाय इनको यूज कर लेते हैं और एक क्वाड बना देते हैं, दैट्स अ बेटर, क्योंकि जब क्वाड आप बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि वहां पर दो वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा जरा बताएं, आंसर आएगा बी बार। तो फाइनली अगर मैं यहां पर लिखता हूं फाइनल आंसर को, तो एफ ऑफ एबीसी जो आएगा, एबीसी इज इक्वल टू कितना बचाएगा, एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू व्हाट, क्या है आंसर, ए प्लस बी बार, ये आ गया आंसर, ए प्लस बी बार, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एफ ऑफ एबीसी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।